कान्हा की नगरी मथुरा में अब हर तरफ ऐसे पेड़ दिखाई देंगे जो कान्हा को प्रिय थे। यूपी सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद अब बबूल जैसे पेड़ों को निकालकर उनकी जगह छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। दोस्तों, दरअसल वन विभाग ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो एक पर्यावरण पुनर्स्थापना अभियान शुरू करना चाहता है, जिसमें देसी चौड़ी पत्ती वाले प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। विशेष रूप से वो पौधे लगाए जाएंगे जो भगवान कृष्ण के प्रिय कहे जाते हैं। इनमें कंदब जैसे देसी प्रजातियों के अलावा तमाल, पीलू, बरगद, पीपल, पाखड़, मोलश्री, खिरानी, आम, अर्जुन, पलाश, बहेड़ा आदि प्रजातियां शामिल है। इसके साथ ही अर्जी में इन इलाकों में लगे विदेशी प्रजाति के पौधों को उखाड़ने की इजाजत भी मांगी गई थी। इन पौधों को पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक बताया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की इस अर्जी पर अब अपनी मुहर लगा दी है। अब ब्रज की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति का उन्हें हमारे आने वाले ब्रजमंडल आने वाले भक्तों को दर्शन हो। वन विभाग ने अपनी योजनाओं के पीछे धार्मिक दृष्टिकोण का भी हवाला दिया था। वन विभाग के मुताबिक मथुरा मंडल में कुल 137 वन है, जिनका भारत के धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है, जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग को नए पौधे लगाने और पुराने पेड़ हटाने की सहमति दे दी। कोर्ट के इस फैसले का मथुरा के लोगों ने भी स्वागत किया है। हम लोगों का प्रयास होगा कि जो 37 चिन्हित स्थान है उस पर बृहद वृक्षारोपण कराया जाए। उससे एक तो जो जनपद का ग्रीन प्लांट, ग्रीन कवरेज है, वो हमारा बढ़ेगा, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा, और जो तमाम यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शक आते हैं, जो विभिन्न धार्मिक उद्देश्य से यहाँ आते हैं, उनको एक बेहतर एहसास होगा कि हाँ, भगवान की नगरी में आए हैं, तो उनको एक बेहतर एहसास के साथ वापस जाएंगे। अब कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वन विभाग नए पौधों को लगाने की तैयारी में जुट गया है। लिहाजा अब वो दिन दूर नहीं जब मथुरा और उसके आसपास के जंगलों में हर तरफ कान्हा को प्रिय लगने वाले पेड़ दिखाई देंगे। ये पौधे एक तरफ जहां हमें छाया प्रदान करेंगे, वहीं इन्हें देखकर हम कान्हा को भी याद कर सकेंगे।